आज हमें आयरन जैक प्लेन की लोहे के रंधे की जानकारी लेनी है। लोहे के रंधे में अलग दो प्रकार होते हैं, एक रफ काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और एक स्मूथ काम के लिए। रफ काम के लिए जो रंधे इस्तेमाल करते हैं उनकी लंबाई 14 इंच और 18 इंच होती है, और स्मूथ काम के लिए जो रंधा इस्तेमाल करते हैं फिनिशिंग काम के लिए उसकी लंबाई 10 इंच होती है। रंधे का काम है लकड़ी प्लेन करना। लकड़ी काम करते समय लकड़ी को प्लेन करना जरूरी है, उसके लिए हम रंधे का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम रंधे के मुख्य पार्ट्स देखेंगे, जैसे ये है बॉडी, हैंडल, हैंडल, नॉब, नॉब, ब्लेड, ये ब्लेड है, ये है कैप, ये एडजस्टेबल लीवर है। इस तरह से ये मुख्य पार्ट्स है रंधे के। अभी रंधा खोलने का तरीका हम देखेंगे, क्योंकि ये जो ब्लेड होता है इससे धार तेज करना, धार शार्प करना जरूरी होता है, इसलिए इस रंधे को खोलना जरूरी है। खोलने के लिए ये जो कैप है, ये कैप का ये लॉक है, इसको ओपन करना जरूरी है। कैप का लॉक हाथ से खुल सकते हैं या हाथ से नहीं खुलता तो उसको पेचकस स्क्रू ड्राइवर लेना है और उससे उसको इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये हल्के से कैप आगे की तरफ खींचना है और उसको बाहर निकालना है। कैप निकलने के बाद ये जो ब्लेड है ये आसानी से निकलता है। इस तरीके से ब्लेड निकलने के बाद ये बॉडी अलग हो गई, ब्लेड अलग हो गया, कैप अलग हो गया। ये दो ब्लेड एक साथ जुड़े हुए हैं, एक सपोर्टिंग ब्लेड है और एक धार वाला ब्लेड, जिससे हम धार तेज करेंगे, धार शार्प करेंगे। ये स्क्रू से दोनों जुड़े हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर से इसको हम अलग करेंगे। अलग करते समय ध्यान में रखना है कभी भी हाथ में लेके उसको खोलना नहीं है। टेबल पे रखो, उसको पेचकस रखो, हल्के से पकड़ो और उसको घुमाओ। स्क्रू पूरा निकालना नहीं है, हल्के से ढीला करना है और ये जो स्लॉट है राउंड, ये स्लॉट में से उसको बाहर निकालना है। इस तरीके से दोनों ब्लेड अलग हो गए। अब एक ध्यान में रखना है, ये जो ब्लेड है लंबा वाला, इसी को धार तेज करनी है, धार शार्प करनी है। इस ब्लेड में धार करना नहीं है, ध्यान में रखना है। ये सिर्फ इसको सपोर्ट के लिए रहता है, इसको हम बाजू में रखेंगे। अभी इसको धार कैसे तेज करते, किस पर तेज करते, उसके लिए ऑयल स्टोन होता है जो इस तरीके से होता है। इस ऑयल स्टोन पर इस ब्लेड को धार तेज करना है। इस तरीके से धार तेज की जाती है, इसकी मालूमात हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ धार तेज हो गई ऐसे अपन समझेंगे, और उसको हम धार तेज होने के बाद फिर ये जो ब्लेड है, ये दोनों ब्लेड एक दूसरे को जोड़ेंगे। जोड़ते समय एक ध्यान में रखना है, ये जो प्लेन हिस्सा है ब्लेड का, जिसको हम धार तेज किए, उसका जो प्लेन हिस्सा है उसी तरफ से ये कवर ब्लेड, सपोर्टिंग ब्लेड लगेगा इस तरीके से। तो इसलिए इस तरीके से स्क्रू से वो स्लॉट में से ये रखना है, आगे की तरफ लेके जाना है और उसका ऐसा घुमाना है, फिर पलटी करना है।
एक किनारे से सिर्फ 2 मिलीमीटर ये आगे रखेंगे। ये देखिए, सिर्फ तेज किया हुआ ब्लेड की धार सिर्फ 2 मिलीमीटर आगे रखेंगे। और ये जो स्क्रू है ये हल्के से फिट करके लेंगे हाथ से, बाद में उसको पलटी करेंगे, टेबल पे रखेंगे और पेच कस स्क्रू ड्राइवर से उसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखना है बराबर है क्या नहीं, जरूरी है उतना ही ब्लेड आगे है कि ज़्यादा कम है तो उसको बराबर कर लेना है, बाद में उसको हम ये बॉडी में फिट करेंगे। रंधे की जो बॉडी है फिट करेंगे। एक ध्यान में रखना है ये जो स्क्रू है इसको ये स्लॉट में बिठाना है, इस स्लॉट में बिठाना है, इसलिए ये स्क्रू पीछे की तरफ जाएगा। इस तरफ ये ब्लेड बैठने के बाद ये जो एडजस्टेबल लीवर है जिससे ब्लेड हिलता है, ये ब्लेड सीधा करना, क्रॉस करने के लिए है। अब ये हम इसको कैप लगाएंगे, कैप के ये बड़े होल से इसको नीचे की तरफ लेंगे कैप, और ये जो लॉक है उसका वो हाथ से दबाएंगे। एक ध्यान में रखना है कि जो लॉक है उसके ऊपर हथौड़ी हैमर ठोकना नहीं है, सिर्फ हाथ से दबाना है वो लॉक हो जाएगा। हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये लॉक टूट सकता है, इसलिए कभी भी हथौड़ी का इस्तेमाल करना नहीं है। अभी देखना है पलटी करके, ब्लेड बहुत ज़्यादा बाहर है तो ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए ये जो स्क्रू है ये एडजस्टेबल स्क्रू है, उसको अपन अंदर की तरफ घुमाते हैं तो ये ब्लेड अंदर जाएगा, बाहर की तरफ घुमाते हैं तो ब्लेड बाहर आएगा। अभी ब्लेड ज़्यादा बाहर है ये देखिए, इसलिए उसको हम अंदर की तरफ घुमाएंगे तो ब्लेड अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये देखिए ब्लेड अंदर गया, अभी ब्लेड क्रॉस होता है, देखो क्रॉस है, एक तरफ से बाहर है एक तरफ से अंदर है, तो उसको सीधा करने के लिए ये जो लीवर स्क्रू है ये इस्तेमाल करना है, इससे हम ये एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अभी रंधा अपना तैयार हो गया है लकड़ी छीनने के लिए। अभी अपन ये जो ऐसी लकड़ी रहती है रफ लकड़ी, इसको प्लेन करने के लिए ये रंधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।